हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाल है, कसक आए, केमो नाचो, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और आज हम आ पहुंचे हैं रॉस आइलैंड। जी हाँ, रॉस आइलैंड या सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो भी नाम लें, जैसे मोदी जी ने वैसे इसका नाम चेंज कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ पर उस तरफ वहाँ से बोट जाती है रॉस आइलैंड के लिए। तो अभी हम लोग बोट में जाने वाले हैं। अभी 2 बज रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट में यहाँ की लास्ट बोट जाएगी, उसके बाद रॉस आइलैंड बंद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और मज़ा लीजिए हमारी इस जर्नी का। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ की जेट्टी पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें बोट के द्वारा रॉस आइलैंड पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे पीछे वहाँ पे है फ्लैग पॉइंट, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। जो हमारा पिछला एपिसोड था उस समय वो बंद था, क्योंकि वहाँ पे अमित शाह जी आए हुए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है जेट्टी, अभी हमें यहाँ से बोट से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का, अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 फाइनली हम लोग रॉस आइलैंड या सुभाष चंद्र बोस द्वीप पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मोदी जी और अमित शाह का एक पोस्टर भी लगा हुआ है, बताते हुए कि इस द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है और अब से ये सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहलाएगा। देखिए, बुलावे तुझे यारे, आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। इसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है जैपनीज बंकर। तो आइए आपको जैपनीज बंकर के अंदर ले चलते हैं। मैं
समी तू आसमां मैं दाग हूं तू चांद सा तुझे यारे अज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया किसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे ना चैन से जीने देगी ना चैन से मरने देगी मोहब्बत आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं तो जब वो मिली इन लफ्जों को मायने में तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए और मोदी जी इधर आए और इनका नाम चेंज करके रॉस एलेंडर से अब जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस दीप कर गए सर। सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का बिल्डिंग है ये फर्जन अली जनरल स्टोर हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में ये आइलैंड जो है कैपिटल हुआ करता था अंडमान निकोबार का। तब इस आइलैंड में लगभग 500 पीपल रहते थे। उन सब का खाने पीने का सामान और जरूरतमंद सामान इसी स्टोर में से उपलब्ध कराया जाता था सर। सर हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे जो पहला बिल्डिंग है वो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। उसके साथ वाला जो दूसरा बिल्डिंग है वो पावर हाउस। उन दोनों के मिडिल में से सड़क जाती है स्विमिंग पूल के लिए सर। सर वो कोने में देखेंगे ब्लैक कलर का टैंकी लगी हुई है जो वाटर प्रूफेड प्लांट हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में। और सर ये व्हाइट कलर बिल्डिंग है जो बेकरी हुआ करता था अभी लाइटर साउंड में यूज होता है। राइट साइड में चेयर लगा हुआ है इवनिंग 5:30 PM पे। हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे जो टूटा हुआ बिल्डिंग है ये कर्नल एडिसन का रेसिडेंस प्लस ऑफिस हुआ करता था जो ब्रिटिश का सप्लायर ऑफिसर था। राइट साइड में ये खाली मैदान है यहाँ पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में। राइट साइड में ये सड़क जाती है सड़क के ठीक ऊपर वाले हिस्से में इंडियन बाजार लगता था ब्रिटिश टाइम में। और सर पोर्ट ब्लेयर का पहला पोस्ट ऑफिस भी इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर पड़ा है इधर ही बना हुआ था सर फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन पोर्ट ब्लेयर। सर हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे एक पतली सी सीढ़ियां जाती है ऊपर की तरफ जो सेक्रेटरी बिल्डिंग हुआ करता था सचिवालय जो 1948 में यहाँ से ट्रांसफर होकर पोर्ट ब्लेयर में चला गया सर। सर राइट साइड में जो बिल्डिंग नजर आता है ये सबर्डिनेट क्लब हुआ करता था यहाँ पर डांसिंग बार और रेस्टोरेंट सर जूनियर ऑफिसर के लिए अवेलेबल था सर। सर हमारे बिल्कुल सामने देखेंगे आप लोग पी चर्च हुआ करता था पोटेंशियल चर्च जो 1840 पे ब्रिटिश वाले ने बनाया था सर। सर हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे छोटे छोटे कुछ रूम टाइप का नजर आता है ब्रिटिश टाइम में जब इधर फ्रीडम फाइटर को लेके आते थे उनमें से जिनको खतरनाक समझा जाता था उनको इधर बेड़ियों के साथ बंद किया करता था। एक्चुअली अंडमान निकोबार का फर्स्ट जेल रॉस आइलैंड का इधर ही था। दूसरा जो जेल है वो बाइफर आइलैंड तीसरा जेल जो है वो सेलोरा जेल जो पोर्ट ब्लेयर में है सर। सर हमारे राइट साइड में देखेंगे सीढ़िया जाती ऊपर की तरफ जो कमिश्नर का बंगला हुआ करता था कमिश्नर बंगले का सिर्फ सीढ़िया रह गई ऊपर सब जंगल बन चुका सर। सर हमारे लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग नजर आता है ये रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था अभी ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर देंगे सर। सर ये आइलैंड पहले 200 acres में था सुनामी के बाद वहाँ 70 acres आ गया सर। 2004 में जो सुनामी आए थे सबसे ज्यादा अटैक जो है इसी आइलैंड पे हुआ था सर। इसी आइलैंड ने अपने ऊपर लेके सर पोर्ट ब्लेयर को बचाया था सर। ये राइट साइड में जो आउट साइड है ये कमिश्नर बंगले का था ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ तक पानी आ चुका था सर। सर हमारे लेफ्ट साइड में जो टूटा हुआ बिल्डिंग नजर आता है ये मेस हुआ करता था ब्रिटिश का जो सोल्जर्स लोग इस आइलैंड में रहते थे उन सबका खाना इधर ही बनते थे सर। सर इस आइलैंड में सबसे लंबी और चौड़ी बिल्डिंग जो है वो आगे हमारे राइट साइड में पड़ेगा जिसका नाम है ट्रू ब्रैक जो ब्रिटिश का 165 सोल्जर्स लोग इधर रहते थे। वो बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट करते हुए एकदम लास्ट पॉइंट तक है। पहला वाला बिल्डिंग कुछ रिपेयर करके पिन करके रखा है थोड़ा ठीक ठाक लगता है। इसी का ही दूसरा हिस्सा दूसरा बिल्डिंग आगे चल के हम देख पाएंगे जो ट्रीज के रूट्स ने सर किस तरह कवर अप किया है इसके वॉल को आप देख सकते हैं सर। सर ये अगर रामसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता बहुत अच्छा हॉरर मूवी बना सकता था। सर इस आइलैंड को अभी नेवी के अंडर में है यहाँ पर 550 डियर आपको आजाद घूमतोबा मिलेगा पूरे आइलैंड में और 250 पीकॉक 1 7 पीस रैबिट है सर। इस आइलैंड का
हाईएस्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं जो सी लेवल से 200 फीट ऊपर है। यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू पॉइंट सर लाइट हाउस है। कुछ स्टेप आपको श्रेणी से नीचे उतर के जाना है, जाके 15 मिनट में आप रिटर्न आएंगे। कहलिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, 7063। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अब तक का सफ़र? बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारे जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बाकी का सफ़र कुछ ही समय में दिखाएंगे। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं लग दुनिया। ना है कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अभी हम लोग सुभाष चंद्र बोस द्वीप के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम लोग रॉस आइलैंड के लाइट हाउस पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वही है यहाँ का लाइट हाउस। और देखिए इसके आसपास चारों तरफ पानी दिख रहा है जो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये खूबसूरत नज़ारा? अच्छा ही लगा होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों हम लोग लाइट हाउस पर पहुंच चुके हैं, देखिए मेरे पीछे ही आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सुभाष चंद्र बोस द्वीप का लाइट हाउस? हमें तो बहुत मज़ा आया और आपको भी अच्छा ही लगा होगा। अब हम लोग वापस उसी गोल्फ पार्ट में जा रहे हैं और आपको इस द्वीप का बाकी का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। मैं जदों तेरी ख्वाबों वाली रात तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैं तो जावे मुड़िया। ओ जीवे रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल ही ओ ना वांगू जुड़िया। एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो? ना सोना क्यों रब ने बनाया, ना सोना क्यों रब ने बनाया। ओ चार चार दोनों जगह मेरी बागों में आ भूल जा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़फा पानी का मतलब होता है मौत। अंडमान में जिन फ्रीडम फाइटर को सजा हुआ है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ है, मत हुआ है, तो उसी का ही मीनिंग था काला पानी। काला पानी में ऐसा था कि कोई किसी को लेके आते थे वो जा नहीं सकते थे। Oh,
तो दोस्तों, हमारे आज के इस रॉस आइलैंड या सुभाष चंद्र बोस द्वीप के व्लॉग में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खुद भी करें, दूसरों से भी करवाएं और हमें अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। तो दोस्तों, देखिए हमें पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, तो आप भी करें। तब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सो गाइस, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। मेरी मौजों का किनारा।